ये क्या कर रहा है पीछे? चल ये आगे क्यों खाली है? ओजा आ गया चाहिए मुझे तुमसे
अरे यार सॉल्व करो यार, क्या कर रहे हो? भैया कितना तुम्हारा कुणाल आंसर आया कितना है? आ गया? अरे बता देखा ये बता पक्का एक अच्छे कॉलेज में बैठेगा, सही बता रहा हूँ, गारंटी लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि वो शर्माता नहीं है पूछने में। बात समझ आई? क्या मेरी बात सुन? इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री है। अरे कितना है? तो लाइट रे भी क्या 0 डिग्री पे निकलेगी? ऐसा बोलो यस और सही बात है। अच्छा इस सरफेस का क्रिटिकल एंगल कितना है? 45। ये पक्का निकाला? क्रिटिकल एंगल इज 45। ठीक है, दिस इज 5, देन दिस इज 5, दिस इज कितना 5/2 माइनस 5। इंसिडेंट एंगल क्या क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए? दैट मींस 90 माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 45 डिग्री, 5 शुड बी लेस देन 45 डिग्री। बात समझे? ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा? नहीं। क्यों? 45 पे TIR नहीं होगा, गेस कर जाएगी। बात समझ आई? अरे ठीक है, दो ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे, एक में इक्वल टू होगा, एक में इक्वल टू नहीं होगा। गॉट इट? यस सर। समझ आया? अब सुन, ये सवाल छोड़ो, पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा समझो स्विमिंग पूल देखा है तुम लोग ने? तुम्हारे गाँव में है स्विमिंग पूल? कितने लोगों ने नहीं देखा? तालाब देखा है? तालाब बकेट बकेट सी होता है, लोटा देखा है? स्विमिंग पूल, कौन सा पूल? स्विमिंग पूल। ऐसा समझो रात के अंधेरे में मैं तुमको स्विमिंग पूल में लेके जाऊं और क्या करूं? रात में स्विमिंग पूल के पास आपको लेके गया और पूल के सेंटर में, पूल के बेसमेंट पे पानी के अंदर मैंने एक बल्ब जलाया। ठीक है, बात समझ आई? मैंने क्या किया? कहां पे? एकदम नीचे बेसमेंट पे, और एकदम अंधेरा है, मस्त काली रात। ठीक है, तो पहले तो मेरा ये सवाल है, ये रूट टू छोड़ो, रूट टू नहीं होता पहले तो वाटर का, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा समझो नीचे पानी है, यहां तुम बाहर खड़े हवा में, ठीक है, जब तुमने नीचे बल्ब जलाया तो इस सरफेस पे जो वाटर का सरफेस है उस पे तुम्हें पैच, किसका पैच? लाइट का पैच, किस शेप का दिखेगा? पहला सवाल। एक्लिप्स। सरफेस के शेप का दिखेगा। अरे मछली नहीं है स्विमिंग पूल में, गांव के हो क्या एकदम? अरे शेप कौन सा बनेगा? सर्कुलर, एलिप्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्या लगता है तुम्हें? सोच के कितने लोगों को लगता है सर्कल, कितने लोगों को लगता है एलिप्स? जितने लोगों को एलिप्स लगता है इस बल्ब को रिप्लेस कर दो ट्यूबलाइट से। बात समझे?
बात समझे, ट्यूबलाइट में कुछ इलेक्ट्रिकल जाएगा एक तरीके से, बल्ब में क्या लगेगा, बात समझे। ट्यूबलाइट का इसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूं तो बताऊंगा, टेंशन नहीं मत ले। इसमें आपको शेप क्या दिखेगा, ऐसा एक पैच दिखेगा। अगर आपने नीचे एक बल्ब जलाया तो आपको क्या दिखेगा, पहले तो बात समझे। आप एन इक्वल टू रूट टू का मीडियम है और बाहर हवा है, हवा में स्थान से खड़ा, ठीक है। नीचे हमने जलाया बल्ब कितनी डिस्टेंस पे, वन मीटर पे। तो यहां पे इस ऑब्जर्वर को सर्कुलर पैच दिखेगा। मेरा क्वेश्चन है कर लेना तो अपने आप को डेरी मिल दे देना, करो ट्राई। स्कूल के टीचर से भी पूछना लाइट का पैच और अदिति ने क्लासी आंसर दिया है, इस सरफेस पे उसको स्पीयर दिख रहा है, वाह। आज निशांत सर गिटार बजाएंगे, तुम गाना गाओगे, वो भी वीडियो जाएगा, उसका पिक्चर ऑलरेडी रेडी हो गया। नहीं, मैंने पिक्चर रेडी कर दिया, उसमें तुम्हारी फोटो है। गलत है सर, फोटो हां तो सर मिला, हां तो बात तो कर लेंगे सर। फिर ये भी गिटार बजा, मुझे नहीं पता सर लेके आए गिटार बजा निकाल भाई, चल थोड़ा दिमाग लगा लो। इसमें कुछ इंटर क्रिटिकल है, मिलता ही लगा क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा मुझे नहीं पता। जितने लोगों का आंसर आ गया है, पर तो सही है गलत है वो बाद में मैं बताऊंगा। अगर आपका आंसर आ गया कुछ ना कुछ, तो इस सेम क्वेश्चन में किसमें अबाउट क्वेश्चन, इस सेम क्वेश्चन में डेटा एग्जैक्टली सेम, बस नीचे क्या है, ट्यूबलाइट है 10 मीटर की। अब पहले तो ये निकालो, उसके बाद इधर आ जाना। अबे यार तो क्या सिद्धार्थ, अदिति आया है? देखो
पर जो सर्कुलर पैच बनेगा क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का, बात समझ गए? क्या बनेगा? बेसिकली जो लाइट रे इसके एंड पे जाएगी वो इसके बाद क्या कर जाएगी, टी आएगा। क्यों? क्योंकि अगर इस पॉइंट से भी बाहर आ जाती तो ये पैच हमको और बड़ा दिखता। अरे बात समझ गए? अच्छा क्रिटिकल एंगल है कितना इसका, कितना है? 45। मतलब ये एंगल कितना है? 45। अगर ये 45 है तो मतलब ये एंगल कितना है? 45। मतलब रेडियस कितनी है? 1। कितनी है? 1। तो एरिया कितना हुआ? 5। क्लासिक क्वेश्चन। अरे तो बात समझी? अरे बात समझी? अब इस बल्ब को रिप्लेस कर दो 2 लेंस से।
एथरीन से बात की। अब सोचो और नीचे क्या लगा दूं? जो किससे कठिन होते हैं, क्या घुस रही है इन सब में? सपोज मैंने ना चार पांच स्लैब एक दूसरे के पैरेलल रख दिए, क्या बोल रहा है तू गंदी गंदी बात? ठीक है, मान लो n1, n2, n3, n4 और कहानी चलती रही अपनी। अरे ठीक है, सो अगर यहां पे एक लाइट रे इंसिडेंट है एट एन एंगल आई, फिर कितने पे रिफ्रैक्ट होगी? अरे डेंसर एयर छोड़ो, कुछ भी है, सुन मेरे, आर पे होगा, ये कुछ ऐसे ही है, कितने पे? आर वन, सो यानी कितना हुआ? आर वन या आई, ये कितने पे गया? आर टू, आर टू, आर टू, तो यहाँ की कितना हुआ? आर टू, ये कितने पे गया? आर थ्री, बात समझ आई? यस। देख यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखना, एन वन साइन आई इज इक्वल्स टू एन टू साइन आर वन एंड एन टू साइन आर वन इज इक्वल टू एन थ्री साइन आर टू इज इक्वल्स टू एन थ्री साइन आर टू एंड एन थ्री साइन आर टू इज इक्वल टू एन फोर साइन आर थ्री इज इक्वल्स टू एन फोर साइन आर थ्री। बात समझ आ रही है? Yes, इसका मतलब अगर पैरेलल स्लैब्स रखे जाएंगे तो हम बोल सकते हैं एन इनिशियल इनटू साइन इनिशियल इज इक्वल्स टू एन फाइनल इनटू साइन फाइनल। आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कभी कभी कुछ बच्चे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एन एफ इनटू साइन आर एफ माइनस वन होगा, आर एफ माइनस वन क्यों होगा? क्वेश्चन कर लो, अपने को याद रहेगा।
ये मिटा दूं? यस जल्दी बताओ क्या टाइम पास हो चैप्टर में कोई भी आप ऐसे फॉर्मूला उठा के याद कर लोगे तो कहानी बनेगी नहीं ठीक है वेरी गुड कुणाल पढ़ा है तुमने 10वीं में कुछ तो पढ़ा है तुमने क्रिटिकल एंगल पढ़ा है कुणाल ने आज साबित किया कुणाल ने वेरी गुड चलो आ जाओ किस पे प्रिज्म पे क्या होता है प्रिज्म प्रिज्म सुनते ही ट्रायंगल दिमाग में आ जाता है हाँ। आप समझो प्रिज्म एक कॉन्सेप्ट है क्या है कॉन्सेप्ट प्रिज्म इज अ कॉन्सेप्ट
जिसमें लाइट रे एटलीस्ट टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस को क्रॉस करेगी, बात करो। अब आप चाहे वो रेक्टेंगुलर बनाओ हेक्सागोनल बनाओ, वो लड़का कुछ कुछ सही बोल रहा था, इसलिए मुझे डाउट आता है कि तुम लोग एक ही सर से कैसे पढ़े हो। तुम यहाँ पे नहीं थे? नहीं। तुम कहाँ थे? गली में कोई टीचर थे। कौन सी टीचर थी? मैं आज ही मिलूंगा उनसे। भागवत मैडम है वो। देखो भाई साहब क्या बात है, डिफरेंस दिख रहा है आपको? वेरी नाइस। अरे प्रिज्म इज नॉट ओनली लिमिटेड टू ट्रायंगल यार, प्रिज्म इज अ कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट? बेसिकली लाइट रे कभी भी दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस को क्रॉस करेगी तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे। बात समझ आई? यस। बना लो और लिख लेना, प्रिज्म इज अ कॉन्सेप्ट वेयर लाइट रे क्रॉसेस टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। तीन एंगल मार्क किए मैंने ए बी सी, व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म? 80। क्या एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा ये होगा? नहीं, डिपेंड ऑन इंसिडेंट रे, डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिंग सर्फेस और द रिफ्रैक्ट। या बात समझ आती है? अगर ये लाइट रे कुछ ऐसे पास कर गई तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? बेसिकली दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं अपन? एंगल। लिख लेना। क्यूब ऑर्डर क्या रहेगा सर? बम्पिंग। एक नहीं होते हैं उसमें, दो होते हैं। सब नहीं है मतलब, अगर प्योर की वर्ड बनाओगे तो बातें कम कर। सुनो, अपने पास एक प्रिज्म है, लेट अस से ए बी सी, जो जो चीजें तुमने टेंथ में पढ़ी है वो रिवाइज करना है, ठीक है? ये चीजें मेरे हिसाब से आप पढ़ के आए हो। इस लाइट रे को क्या बोलते हैं? इसे एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा है? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। दिस इज एंगल आ रहा है तो ये रिफ्रैक्ट हुआ कितने पे?
लेट अस से आर नंबर है बात समझे और ये एंगल मैंने ले लिया आर टू और ये एंगल एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलो कोई तकलीफ अगर ये प्रिज्म नहीं होता लाइट रे ऐसे चली जाती तो वो जो एंगल है दैट इज डेविएशन ठीक है ये किसने बोला सिद्धार्थ ने ठीक है ना यस देख इसको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है अरे पक्का क्वाड्रिलेटरल को नाम दे देते हैं लेट अस से इसको बोल देते हैं पी ठीक है तो इन क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा बाकी आर एस आर और एस ए आर पी एस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू क्यू क्योंकि ये दोनों 90 है कोई बात समझे अरे ठीक है अच्छा बात बढ़िया अब देखो इन ट्राइंगल आर एस पी आर वन प्लस आर टू प्लस इज इक्वल टू 180 इक्वल टू 180 माइनस आर का बोलो कोई तकलीफ कोई तकलीफ तो 1 पी इज इक्वल टू 180 माइनस आर का 180 माइनस आर वन प्लस आर टू आगे रखो सो एंगल ए इज आर वन प्लस पहला रिलेशन एंगल ऑफ प्रिज्म इज आर वन प्लस आर वन प्लस और सुन मेरी बात ध्यान से अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होता तो क्या ये इंसिडेंट रे सीधे निकल जाती तो दिस इज कॉल्ड एज पहला डेविएशन तो यहां होगा और दूसरा डेविएशन क्या दोनों क्लॉकवाइज है देखना ध्यान से कितना क्या सर टोटल आई माइनस आर वन एंड डेविएशन टू इज ई माइनस आर टू सही बात है दोनों को ऐड कर दो सो नेट डेविएशन इज आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस So net deviation of prism is I plus E minus A. ठीक है इतना तुम्हें टेंथ में पढ़ाया जाता है ऐसा मुझे लगता है फेयर इनफ तुमने नहीं पढ़ाया वो एक अलग चीज है पढ़ाया जाता है नहीं नहीं है मैंने आईसीएसई बुक में देखा है है दोनों हाँ सही बोल रहे उसको पेज तक रटा है किस पे चलो तुम्हारी बुक अलग थी उतार लो भैया
अरे कितना टीआईआर हो गया उधर हो रहा है टीआईआर मुझे नहीं पता इट शुड गुड टीआईआर हो रहा है क्या यहाँ पे नहीं ना मेरे ख्याल से तो होना तो नहीं चाहिए शायद से I don't think so. अरे ऐसे देखो ना बाहर का refractive index कितना है one TIR होने के लिए मतलब sine theta should be one by root three सही बात है ना root three by two अरे सही है ना तो one by root three कितना angle होता है 35 है ना तो 35 से ऊपर होगा तब तो TIR होगा वरना नहीं होगा बात खत्म easy ये फिर तुम शुड से वुड पे आ रही हो बस तुम ऐसा बोला करो आई थिंक आई सपोज यार कुणाल तू आंसर दे यार क्या कर रहा है क्या यार बताओ यार क्या कर रहे हो तुम लोग डेविएशन नहीं निकाल पा रहे हो दूम पर हो 45 आ रहा है टोटल डेविएशन पर कुछ तो आंसर आएगा ना यार अबे कुछ तो आएगा ना या तो जो वो बोल रही है टी आई आर वो हो जाएगा आंसर तो पक्का आएगा क्या बोलते हो यार सर R1 कितना आ रहा है एक्सक्यूज मी थर्टी से ब्रो ब्रो भाई तू रहने दे अच्छा देख चिल 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 जस्ट चिल चिल जस्ट चिल यार आर वन पे तुम लोग लड़ रहे हो आर वन तो मैं निकाल देता हूँ आर वन वन इनटू मेबी नॉट साइन 16 मेबी डायरेक्ट इज इक्वल्स टू रूट 3 इनटू साइन आर वन वन इनटू रूट 3 बाय टू इक्वल रूट 3 साइन बीटा साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय 2 थीटा इक्वल टू 30 आर वन तो 30 आ रहा है भाई साहब किसी से नहीं हुआ है इसका आंसर आर टू लिखना आर टू नेगेटिव है सेम 105 आई थिंक माइनस 90 माइनस 70 सुनो मेरी बात अरे फॉर्मूला क्या लगा रहे हो लगा आर वन का सारे इक्वल टू 15 सुनो मेरी बात आर वन कितना आया 60 है ये 15 है तो ये कितना होना चाहिए कोई बात समझ आ रही है क्या ऊपर जाता नॉर्मल ऐसा बनेगा कुछ है तभी पॉसिबल है ये 15 बात समझ आई वैसे सरफेस पे नॉर्मल ऐसे तो लेना मरे मत This is Pandra. Bolo koi takleef? Nahi.
है सही है सही है ना नहीं कैसे सही है ये अब सही अब सही ये बनेगा 15 और ये लाइट रह जाएगी कुछ ऐसे है ना सो रूट 3 इंटू साइन 15 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई ठीक है यहां पे डेविएशन कितना आया है अरे कितना आया है 30 कैसे आ गया है ये 60 है 60 माइनस 15 है 45 है ना क्लॉकवाइज यस सर और दूसरा डेविएशन कितना आया है एंटी क्लॉकवाइज ठीक है ई माइनस 15 यहां से ई निकाल के यहां रखेंगे और वहां से आंसर निकलेगा मैंने कहा ना आंसर तो निकलेगा 120% कुछ रे ऐसे जा रही है सॉरी बेटा मैंने 30 लिखा है और मैंने ये ना 15 लिखा है अब ठीक है कुछ ऐसा पहली चीज तो मुझे तुम्हें जो फील कराना है वो ये कि फॉर्मूला रखने से पूरा काम नहीं होता दिमाग लगाना पड़ता है पिक्चर द नॉर्मल उसके नीचे डालूंगा मैं कहा पिक्चर सिमोन लाइट्स और ये एंगल 15 ठीक है बढ़िया सवाल बन गया इसका डेटा सब ठीक है इसमें भी वही कर रहे हैं क्या नेट डेविएशन निकालो
वन हो गया क्या? स्लो बाद में पिक्चर ले सकते हो गया क्या? आई नीड द प्रीवियस आंसर. अबे चुप ना. माइनस कैसे हो सकता है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा ना. व्हाट इज माइनस 30 हमजा इसका सही है
कैसे आया है? अगर यार TIR नहीं होता तो लाइब्रेरी यहीं से बाहर निकल जाती है। बेसिकली सिर्फ फॉर्मूला रटने से काम नहीं, अपने को चेक करना है, ठीक है?